नरेंद्र भाई फरहान बोल रहा हूँ। हाँ बोले सर, नमस्कार। अच्छा ये बताइए नरेंद्र भाई, क्या हुआ, कोर्ट का अपडेट दीजिए। सर आज कोर्ट में दो तीन चीजें हुई। एक्चुअली कोर्ट में कोर्ट वाज अनहैप्पी दैट नथिंग हैपेंड। अच्छा ओके। अच्छा देवर टू रिपोर्ट्स गिवन, वन बाय सीबीआई एंड वन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अच्छा और दोनों रिपोर्ट में कुछ सब्सटेंशियल नहीं आया था, इसके लिए कोर्ट ने कुछ पूछा कि अगर आपने जो प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा कुछ सीज किया है या जो किया है उनको नोटिफिकेशन भेजा है, तो एक्चुअली जो हमारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही टू बिजी ट्राइंग टू गेट द क्लेम फॉर्म्स एंड उन्होंने कंप्लेंट या मैंने उन्होंने कोर्ट को बताया कि हमको अभी तक पैसा एलोकेट नहीं हुआ, लोग एलोकेट नहीं हुए हैं। तो रीजनल कमिश्नर है, उनके ओर से हजार काम रहते हैं, टाइट रहता है शेड्यूल। तो इसके लिए आईएमए के लिए सरकार ने उन्होंने 5 ऑफिसर्स मांगे थे और उसके पास 25 और ऑफिसर मांगे थे। अच्छा तो सरकार ने किसी को भी अभी दिया नहीं है। 5 उन्होंने अर्जेंटली मांगे थे कि हमको वो क्लेम फॉर्म के लिए डिजाइन बनाना है, डिस्कस करना है, उसके लिए मीटिंग करना है। Okay. तो उसके लिए अभी तक सरकार ने कुछ नहीं दिया है, उनकी तरफ कोई अलोकेट नहीं किया है। अच्छा। और उसके बाद उनको 25 लोग और चाहिए जैसे मैनेज करने के लिए। Okay. जब आप क्लेम फॉर्म्स आ जाएंगे लोगों के जैसे भी, तो उन्होंने कोर्ट में ये सब कुछ नहीं बताया कि वो ऑनलाइन करेंगे ऑफलाइन करेंगे, वो सब कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हमको डिजाइन करना है, पता लगाना है कि क्या करें कैसे करें, उसके लिए 4-5 लोगों की जरूरत थी जो हमको अभी सरकार ने नहीं दी है। अच्छा। तो एक तो ये हो गया, दूसरा कोर्ट ने लोगों को आड़े हाथों लिया ये करके कि आप लोग जो प्रॉपर्टी सीज किए हैं उसको नोटिफाई क्यों नहीं किए हैं। Okay. तो ये लोग बोलते हैं कि हमने प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई किया है लेकिन नोटिफाई नहीं किया है। अच्छा। मतलब वो प्रॉपर्टी अभी भी जब्त नहीं हुई है। हाँ। और ये चीज बताया कि एसआईटी से जो पैसा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को आना था बैंक अकाउंट में जी। वो अभी उसका थोड़ा हुआ है थोड़ा नहीं हुआ, ऐसा कुछ गड़बड़ मतलब बीच बीच में है। तो कोर्ट जो हैज आस्क की क्या हर चीज के लिए आपको मेरा आदेश की जरूरत है क्या, कोर्ट वाज स्टिल अनहैप्पी कि डू यू वांट एवरीथिंग, शुड वी ऑर्डर एवरीथिंग ओनली देन विल यू डू इट करके ऐसे बोला है। ओके। तो और एक बात था कि जो इनके फॉरेंसिक ऑडिट थे और उनकी एक टीम होनी चाहिए थे ऑडिटर ऑडिटर सब मिला करके, तो उनके लिए भी पैसा कौन देगा इस पे इन लोगों को कंफ्यूजन था। तो वो भी सरकार दे करके कोर्ट से ऑर्डर मिलने इन लोगों को लेना पड़ा। अच्छा। मतलब ये है कि आईएमए का जो काम हो रहा है उसके लिए जो सरकार की तरफ से काम करने के लिए लोगों को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सबसे फॉर्म लेकर के उसको सेटल करके उसको चेक करके करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की जरूरत है पैसों की जरूरत है वो सरकार मुहैया नहीं करा रही है। अच्छा इसकी वजह से डिले हो रहा है, इसी की वजह से डिले हो रहा है। लेकिन फंडामेंटली ये है कि ये केस भी वैसे ही जाएगा जैसे बाकी केसेस गए, ये लोग आराम से 6 महीना 1 साल 1.5 साल तक हम लोगों ने पिछले बार मेमो दिया है। एक्चुअली हमारी आज सुनवाई हुई नहीं, तो मतलब मोरलेस केस इस बार के देखने से लगा कि बहुत स्लो जा रहा है, करेक्ट? इस बार के देखने से लगा बहुत स्लो जा रहा है और वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है। सोचा था नया गवर्नमेंट आएगा सीबीआई के पास जाएगा लेकिन कुछ हुआ नहीं है। सीबीआई कहती है कि हमको 30 अगस्त को मतलब 15 दिन पहले ही हमको मिला है। तो हम अभी हमारी तरफ से भी हमको अपना सब कुछ प्रोसीजर करना है। ये तो सही है नरेंद्र भाई, होता क्या है जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे जगह जब जाता है तो काम स्लो हो जाता है। अब ये देखिए कि नेक्स्ट हियरिंग क्या 26 को है ना, 26 को 26 सितंबर को नेक्स्ट हियरिंग है। तो एक इम्पोर्टेंट बात ये हुई है जो काफी मीडिया में आया था और हमें लग रहा है या अभी यकीन हो गया है धीरे से कि कोर्ट केस को ट्रैक कर रहा है, इवन मीडिया में क्या आता है उसको भी ट्रैक कर रहा है। क्योंकि कोर्ट ने आज पूछा है कि सीबीआई ने, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोर्ट को उतना शार्प नहीं है, एक्चुअली चीफ जस्टिस एक्सट्रीमली शार्प, तो उन्होंने जब एफआईआर देखा तो कहा कि आप लोगों ने वो सीआरपीसी के तहत ही क्यों डाला है, इसमें केपीआईडी एक्ट क्यों नहीं लगाया जी। तो उन्होंने कहा नहीं हमको गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए क्योंकि हमारे पास हम लोग जो काम करते हैं वो दिल्ली पुलिस 1886 एक्ट या जैसा एक वैसा कुछ एक्ट है उसके 1886 या 46 वन ऑफ दिस एक्ट के तहत करते हैं, तो उसमें केपीआईडी नहीं आया है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है केपीआईडी लगाने की ऑल दैट नंस। तो उन्होंने कहा कि परमिशन ले लो और गवर्नमेंट को कहा कि जल्दी से जल्दी इन लोगों को जो भी परमिशन चाहिए उसको मुहैया कराया जाए जिससे केस आगे बढ़े। तो फंडामेंटली ये वहीं पे जा रहा है जहां पे हम लोग सोच रहे हैं कि
कि हमको पॉलिटिको लीगल बैटल करना है। अच्छा। और मैं पिछले बार भी आपके चैनल पे बता रहा था कि पॉलिटिको लीगल इसलिए करना पड़ता है कि जब तक लीगल को गवर्नमेंट अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन इनपुट नहीं आता है तब तक वो कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, कोई वो कुछ नहीं कर पाता है। तो जब ये लोग डिले कर रहे हैं, डिली डाली कर रहे हैं, तो कोर्ट क्या कर सकता है? ठीक है, तो नरेंद्र भाई ये चीज तो समझ में आ गई आज क्या हुआ और 26 को देखते हैं क्या होता है। इस बीच में आप क्या कहना चाहते हैं IMA इन्वेस्टर को और क्या करना चाहिए उसकी एक प्लान बना लीजिए, और आज कल में हम उसका आपसे अपडेट लेके सभी को ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर इवेंट स्लो हो रहा है, प्रोसेस स्लो हो रहा है, तो इन्वेस्टर को क्या करने की उसकी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और आपसे एक दो दिन में मैं संपर्क करता हूँ तो डिटेल दीजिएगा। जरूर जरूर। ठीक है, थैंक यू सो मच नरेंद्र भाई अपडेट देने के लिए।